Hi everyone, this is Mayank Kothari. The FR paper is over and now you will be focusing on strategic financial management. This video is for both old and new syllabus. I'm going to explain you what to study, what chapters to first pick up in this 1.5 days, how to manage the entire time and the revision also. ओल्ड सिलेबस वालों के लिए अलग से वीडियो तैयार किया है, न्यू सिलेबस वालों के लिए भी अलग से वीडियो तैयार किया है. डिस्क्रिप्शन में आपको टाइमिंग पता चल जाएगी. सो द न्यू सिलेबस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो उस टाइम से वीडियो को देखना शुरू करें, तब तक का वीडियो आपके कुछ काम का नहीं है. सो डोंट वेस्ट टाइम, जस्ट गो डायरेक्टली टू दैट पॉइंट एंड स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो. फॉर द ओल्ड सिलेबस पीपल यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग नाउ. Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari. So the financial reporting paper is over and now you are going to study for the strategic financial management. I know you have been preparing since long for this day, and there has been a good communication between you and me over lots of platform. Just one last thing that I'm going to communicate to you, I'm going to convey to you, and this will probably be the last message from me to you, because after clearing this exam, you and me are not going to be connected for the studies purpose. So you will move on with your life and I will continue providing help to the other students in the coming attempt, and I'm actually pretty much excited about this thing. So what we are going to do in this video is I'm going to help you basically regarding what should be the pattern of this 1.5 days, how you should manage the time. The very first thing that that you should understand is, please make sure ki time ek chapter pe agar aapne itna diya hai to usse zyada na lage, किसी भी हालत में ना लगे. जितना कर लिया उसके ऊपर वो चैप्टर उस टाइम पे छोड़ देना, आगे बढ़ जाना. बिकॉज एक चैप्टर को अगर आपने 6 घंटे दे दिए, आपको पता नहीं चलेगा जब आप शुरू करोगे उसको कि कितना टाइम लगने वाला है, कि अगर आपने दे दिए तो उसका नुकसान दूसरे चैप्टर्स पे जरूर होगा. सो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी, आज शाम को 6:30 बजे से लेके रात तक क्या पढ़ना है, कल दिन भर क्या पढ़ना है और परसों क्या करना है, आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू. हैव अ लुक ऑन दिस. फर्स्ट डे फर्स्ट एफआर का पेपर आया, एफआर आपने सॉल्व किया, दिमाग से निकालने में टाइम लगेगा थोड़ा बहुत. प्लीज पिक अप स्मॉल एंड इजी चैप्टर्स टुडे, एटलीस्ट फॉर द एसएफएम. नींद एक बार हो जाएगी आपकी, यू विल वेक अप विद अ फ्रेश माइंड एंड देन यू कैन पिक अप द डिफिकल्ट चैप्टर्स. सो द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट यू हैव टू डू फ्रॉम 6:30 PM से 8 तक, दिस विल बी द डिविडेंड डिसीजन. सो दिस इज आई थिंक अराउंड दिस इज गोइंग टू बी वन सेकेंड दिस इज गोइंग टू बी ऑफ अराउंड 1.5 आवर्स. उसके बाद आप म्यूचुअल फंड्स पकड़ो, वन आवर में कंप्लीट हो जाना चाहिए, कैसे भी करके सिलेक्टेड क्वेश्चंस करना है, ठीक है. फिर आप बॉन्ड वैल्यूएशन भी आज ही आपको करना है और मर्जर्स भी आज ही आपको करना है. अगर ये चार चैप्टर कैसे भी करके अगर आप कंप्लीट कर लेते हो ना, फॉरगेट अबाउट टुमारो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जस्ट फोकस ऑन दीज 4 चैप्टर्स एंड यू हैव टू कंप्लीट इट एनी हाउ. स्टे एक्साइटेड, थोड़ा जोश होना जरूरी है उस चीज के लिए. ये 4 चैप्टर बस मेरे को कंप्लीट करके दिखा दो, रात को 1 बजे तक सो जाओ. सुबह उठना, जब आप सुबह उठोगे 7 बजे, जस्ट स्टार्ट विद द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. यू हैव द फ्रेश माइंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसके बाद डेरिवेटिव्स के बाद में फॉरेक्स. ये तीनों चैप्टर कनेक्टेड है, एक के बाद एक मत करना, मतलब सॉरी एक किसी और के पहले कोई और चैप्टर मत करना. स्टे विद द सीक्वेंस, पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव एंड फॉरेक्स. सो पोर्टफोलियो में यू आर इन्वेस्टिंग अराउंड 3 आवर्स, डेरिवेटिव्स में यू आर इन्वेस्टिंग अराउंड 2 एंड फॉरेक्स में अराउंड 3 आवर्स. अगेन 3:30 बज जाएंगे सिर्फ आपको अगर ये तीन ही चैप्टर करने लग जाओ तो. उसके बाद में आपको फाइनेंशियल सर्विसेज, जो फैक्टरिंग एंड ऑल के क्वेश्चन आते हैं, उस पर 1 आवर देना है. अब चालू करो लीजिंग डिसीजन एंड कैपिटल बजटिंग. लीजिंग डिसीजन कैपिटल बजटिंग मैंने सबसे आखिरी में इसलिए रखा है क्योंकि आई थिंक दिस इज प्रिटी मच ईजी वन थिंग. मैक्सिमम टाइम वॉट वी डू इन दिस चैप्टर्स इज कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू. सो अगर आप 0 भी हो उसमें, नहीं भी पढ़ के जाते हो, सीधा एग्जाम में बैठते हो, तो कुछ ना कुछ तो आराम से कर ही लोगे. दूसरा पॉइंट क्या है कि कैपिटल बजटिंग के ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, और जितने मार्क्स के लिए वो होता है वो उसके लिए अटेम्प्ट करना नॉट फिजिबल. सो मेरी भी ये रिक्वेस्ट है कि अनलेस एंड अंटिल यू आर 100% श्योर अबाउट दैट चैप्टर, यू शुड फोकस, यू शुड अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन इन द लास्ट इन एग्जाम, ठीक है. सो ये चीज ध्यान में रखना. सो लीजिंग डिसीजन एंड कैपिटल बजटिंग आप शाम को करोगे कल. सो तकरीबन वो आपको 5 से 7, 7 से 9, 4 घंटे में हो जाएगा. आई डोंट थिंक सो कैपिटल बजटिंग और लीजिंग में आपको इतना टाइम देने की जरूरत है. सो ये 4 घंटे थोड़े कम करके बाकी किसी चैप्टर को भी आप दे सकते हो. उसके बाद चालू करना ये थेरी वाले टॉपिक और छोटे छोटे टॉपिक, ठीक है. रात तक ये सारा आपका खत्म हो जाएगा 1 बजे तक. नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखना, 4 तारीख की बात करते हैं, ठीक है.
4 तारीख को सुबह 7 बजे भी अगर आप उठते हो, ठीक है, 7 बजे से 10 बजे तक आपके पास में 3 घंटे होते हैं, आप आरटी भी पढ़ो, मॉक टेस्ट पेपर पढ़ो और थेरी कर लो। इसमें से हो सकता है कुछ होगा कुछ नहीं होगा, सारा कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है, सो बट मेक श्योर कि ये आप कर लो। 3 घंटे हैं आपके पास में, और 10 से 12 बजे तक यू कैन रिवाइज ऑल द फॉर्मूला। आपके पास में फॉर्मूला शीट्स होगी, समरी नोट्स होंगे, या फिर मैंने जो चार्ट्स प्रोवाइड किए हुए वो चार्ट्स आप रिवाइज कर लो, दैट विल बी सफिशिएंट इनफ। एक आखिर में पिक्चर आनी चाहिए कोई भी पॉइंट पे, ये पूरे दिन में कोई भी पॉइंट पे ऐसा कहीं पे भी नहीं लगना चाहिए कि कोर्स होगा कि नहीं होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा। जहां 9 बजे चैप्टर छोड़ दो आगे बढ़ जाओ, जहां 10 बजे वो चैप्टर छोड़ दो आगे बढ़ जाओ। अब एक चीज सिर्फ दिमाग में रखना कोई भी चैप्टर शुरू करने के पहले, कि भैया मेरे पास में सिर्फ 2 घंटे हैं, इन 2 घंटों में मैंने कितने क्वेश्चंस करने चाहिए। बेवकूफी वाले हरकतें बिल्कुल मत करना, आई एम नॉट प्लीजिंग यू एनी मोर हियर। आप सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, तो अगर आप सोच रहे हो कि प्रैक्टिस मान लो कि सारे क्वेश्चंस करूं, डोंट डू इट, पॉसिबल ही नहीं है। आपके क्लास नोट्स के सारे क्वेश्चंस करूं, पॉसिबल ही नहीं है। ओवरलुक कर सकते हो सिर्फ ऊपर ऊपर से, पहली चीज तो ये, सारे क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस करना पड़ेगा, जो इजी है स्किप कर दो। सेकंड थिंग, लिख के मत देखना, लिख के बिल्कुल मत देखो। ये 1.5 दिन में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लिख लिख के सॉल्व करके देखोगे, इससे बड़ी बेवकूफी और कुछ नहीं हो सकती। तीसरी चीज, प्लीज मेक श्योर कि सिर्फ वो कैलकुलेशंस आप करो जहां पे आपको कोई फिगर देख के समझ में नहीं आ रही है। आप प्रैक्टिस मैनुअल को ओवरव्यू कर रहे हो, ठीक है, मान लो प्रैक्टिस मैनुअल को ओवरव्यू कर रहे हो और हाँ ठीक है, ये 551.75 कहाँ से आया ये नहीं समझ में आया मोजेस के क्वेश्चन में, तो वो एक कैलकुलेशन थोड़ा सा 5 मिनट देके कर लेना बस, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइम पे करते समय पूरा फोकस वहाँ होना चाहिए, तब ऐसा नहीं सोचना कि हाँ यार बहुत सारा करना बाकी है, नहीं है ये है वो। चिंता अगर आएगी और सोचोगे ज़्यादा तो सब कुछ बिगड़ेगा, स्टे कॉन्फिडेंट, ठीक है। तीसरी चीज, कोई भी एक बुक पकड़ो, या तो प्रैक्टिस मैनुअल या तो क्लास के नोट्स, दोनों करना पॉसिबल नहीं है, बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी, ये मैं बता रहा हूँ अभी भी, दोनों पॉसिबल नहीं है, या तो प्रैक्टिस मैनुअल या तो क्लास के नोट्स, दोनों मैक्सिमम सारे क्लास के नोट्स में प्रैक्टिस मैनुअल कवर्ड होती है, सो इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी आप कन्वीनियंट हो ना, जहाँ भी आपको ईजी लग रहा, मेरे को बताने को कोई नहीं लेकिन सबके लिए वो चीज़ अप्लीकेबल नहीं होती, जहाँ भी आपको ईजी लग रहा है वो बुक पकड़ के बैठ जाओ, बस वही करनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं देखना है। कॉन्सेप्ट दिमाग में रहा तो एग्जाम में आप सॉल्व कर पाओगे। सो धीरे धीरे करके आपने सब कुछ पढ़ा, उसके बाद में आरटीपी थ्योरी किया, उसके बाद में चार्ट्स में बैठे, एंड देन विल बी द टाइम टू सॉल्व द पेपर। मेक श्योर कि इजी क्वेश्चंस आप पहले सॉल्व करो, इजी क्वेश्चंस आप पहले सॉल्व करो, उसके बाद में धीरे धीरे डिफिकल्टीज पे आप जा सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सो डोंट जस्ट फोकस ऑन कि मेरे को पूरा कवर करना है, पूरा कवर करना है, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। दिस पर्टिकुलर फाइल ऑफ दिस टाइम शीट एंड ऑल अगर आपको चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब के डाल दूंगा, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर ऑल्सो। सो ऑल द बेस्ट, मेक श्योर दैट यू आर डूइंग योर बेस्ट एंड नॉट अलाउिंग योर सेल्फ टू थिंक, कीप योर सेल्फ बिजी। जहाँ आपने सोचा वहाँ नर्वसनेस आना शुरू हो जाएगी, छोड़ दो ये सब मैटर नहीं करता, वी आर स्ट्रांग इनफ एंड वी कैन फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज, आई एम टेलिंग यू। उसके बाद में आई एम देयर अवेलेबल फॉर डाउट्स, यू कैन क्लिक अ पिक्चर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स मटीरियल लाइक प्रैक्टिस मैनुअल और प्रैक्टिस मैनुअल स्टडी मटीरियल आरटीपीज एंड ऑल ऑफ क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी द डाउट्स ऑल्सो ओवर व्हाट्सएप, एंड मेरे क्लास के नोट्स होंगे तो उसमें से तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो। ये तो बस खत्म, इतनी ही चीज़ें मेरे को बतानी थी, ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, विल मीट आफ्टर द एग्जाम, बाय बाय। हे हाय एवरीवन, दिस इज मयंक कोठारी। सो द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर इज ओवर एंड नाउ यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर द स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्टे एक्साइटेड, आई एम डैम श्योर दैट यू आर गोइंग टू रॉक द डे आफ्टर टुमारो। आई एम हियर टू inform you about how you can plan for this 1.5 days effectively, like along with managing the time also and completing the entire course. There are couple of things, the couple of tips that I want to share with you. Please make sure, the very first thing, that this is the first attempt for the new syllabus, and stay excited for the paper pattern also. And second thing that I want to tell you is, this is a mix of this paper is going to be the mix of practical and theory. So थेरी क्वेश्चन जो पहले आता था ओल्ड सिलेबस में, वो सिर्फ 16 मार्क्स का होता था, तकरीबन 30 मार्क्स की थेरी आपके पास में पूछी जा सकती है, सो डोंट अंडर एस्टिमेट द थेरी ऑल्सो। सो द प्रैक्टिकल एंड थेरी, दिस विल बी द कॉम्बिनेशन, पहली चीज। कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा अगर आप गलती से सोच के जा रहे हैं कि प्रैक्टिकल मैं सॉल्व कर लेता हूँ थेरी तो देखी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा उसमें, जैसे एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा उसमें एक प्रैक्टिकल, दो प्रैक्टिकल होंगे, एक थेरी होगा, फिर दो प्रैक्टिकल एक थेरी, दो प्रैक्टिकल एक थेरी, तो कोई भी क्वेश्चन आप पकड़ोगे आपको उसमें एक थेरी तो अटेम्प्ट करनी ही पड़ेगी। सो यू कैन नॉट अवॉइड दैट, मेक श्योर यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग। नाउ कमिंग ओवर टू हाउ टू प्लान फॉर 1.5 डेज,
पहली चीज सोचो मत ज्यादा, जितना आप ज्यादा सोचोगे उतना नर्वसनेस बढ़ेगी, नर्वसनेस बढ़ा तो आपको लगेगा कोर्स कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। ये सब बेवकूफ लोग करते हैं, ये सब जिनमें कॉन्फिडेंस कम होता है वो लोग करते हैं, ये सब जो हारने वाले होते हैं वो सब करते हैं, आप हारने वालों में से नहीं है। इट्स बिन सो लॉन्ग दैट यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस सब्जेक्ट एंड आई वॉज कम्युनिकेटेड सॉरी आई वॉज कनेक्टेड विथ यू थ्रू यूट्यूब एंड थ्रू व्हाट्सएप एंड आई नो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु देर आर लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली आस्क मी फॉर द हेल्प एंड वेर दे आर कनेक्टेड विथ मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। सो बेसिकली ऑल आई एम सेइंग इज द एफर्ट्स जितने भी आपने अभी तक डाले हैं उनका एक्चुअल यूज अप करने का मौका है। सो अगेन फॉर द लास्ट टाइम स्टे एक्साइटेड, उतना जोश अंदर रखो, खुद को बिजी रखो, सोचना बिल्कुल भी नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, सब देखा जाएगा। मेरा काम है 1.5 दिन तक इतनी मेहनत कर देना जो कि कोई और नहीं कर सकता पूरे इंडिया में जो एग्जाम में बैठने वाला है। सो दिस इज 1.5 डेज हाउ यू हैव टू प्लान फॉर द एंटायर 17 चैप्टर्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। See, there are 17 chapters. The first I am going to tell you is start with the practical part and then you can go with the theory also. ठीक है, सो आपको अगर देख सकता है यहाँ पे आप देख सकते हो तो मैंने 17 चैप्टर्स का सीक्वेंस अरेंज किया है। दिस फाइल विल बी अवेलेबल विथ यू इन द डिस्क्रिप्शन पार्ट, यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन गो थ्रू इट आराम से। मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि हर चैप्टर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उस चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा या थेरी पूछा जाएगा, ये भी मैंने आपको बता के रखा है यहाँ पे। सो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, सो दिस इज प्रैक्टिकल वाला पार्ट, दिस इज म्यूचुअल फंड, एंड म्यूचुअल फंड एक ऐसा चैप्टर है जिसमें प्रैक्टिकल ज्यादा आएगा, थ्योरी एक हाथ क्वेश्चन आ सकता है, एग्जिट पॉइंट्स क्या होते हैं एंड ऑल दैट, सो थ्योरी भी उसमें से पूछी जा सकती है। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन पूरी तरह से प्रैक्टिकल, मर्जर्स वाला जो है वो प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में थ्योरी काफी है एज कम्पेयर टू द ओल्ड सिलेबस, सो थ्योरी पूछने के चांसेस है। उसके बाद में ये सारा जो फर्स्ट वाला इतना पार्ट है ना, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस है, जो कि अराउंड 55 to 80 marks कवर करता है आपके सिलेबस के। तो कंप्लीट इट, फर्स्ट कंप्लीट इन द सीक्वेंस। सो मैंने आपको कैसे दिया यहाँ पे, सिक्योरिटी वैल्यूएशन आप देख सकते हो कि पहले 2 घंटे सिक्योरिटी वैल्यूएशन आपने सॉल्व कर लिया, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स को आप 1 घंटे दे दो, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन अगेन 1 घंटे दे दो, मर्जर्स को आपको 2 घंटे दे दो, खत्म हो जाती कहानी। उसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है आपके 3 घंटे। अच्छा, पहले एक चीज, जैसे ही आपका एफआर का पेपर खत्म हुआ है या थोड़ा बहुत एफआर का माइंड में होता ही है, कितना भी कुछ भी कर लो, हम तो ह्यूमन है, सो आज का दिन तो भी एटलीस्ट ना इजी इजी चैप्टर्स पकड़ो। सो दैट्स वाई सिक्योरिटी वैल्यूएशन इट इज पॉसिबल, म्यूचुअल फंड, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन एंड मर्जर, ये 4 चैप्टर है, कैसे भी करके कंप्लीट कर लो। 4 चैप्टर में कितना टाइम लगेगा, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे अगर आप आज पढ़ सकते हो 6:30 बजे से 12:30 बजे तक, तो यहाँ तक आपका काम खत्म हो जाता है मर्जर्स तक। ठीक है, उसके बाद में कल सुबह मॉर्निंग में जब आप फ्रेश माइंड से उठोगे ना, तो एक नई एनर्जी रहेगी, तो आप डिफिकल्ट चैप्टर पकड़ सकते हो। वहां पे आप पकड़ना पोर्टफोलियो, फिर डेरिवेटिव्स, फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, फिर फॉरेक्स। ये चैप्टर्स कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगेगा, ये चैप्टर्स कंप्लीट करने में आपको तकरीबन 3 और 3, 6 और 3, 9, यानी कि अगर आप सुबह 7 बजे से भी बैठते हैं तो 4 बजे तक आपका सारा कोर्स ये कंप्लीट हो जाता, मतलब इतना वाला पार्ट। उसके बाद शुरू होती है सर थ्योरी वाली चीज़ें। तो सबसे पहले आपने प्रैक्टिकल कर लिया, थ्योरी मैंने क्यों आखिरी में डाली है, थ्योरी मैंने इसलिए आखिरी में डाली है कि कहीं पहले प्रैक्टिकल करते करते थोड़ा डिले हो जाए तो आप कहीं एडजस्ट कर सकते हो आगे, पहली चीज़। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज थ्योरी याद रहनी चाहिए। सो थ्योरी में जनरली ये व्यू होता है सब लोगों का कि थ्योरी सर याद नहीं रहती इसलिए हम आखिरी में करते हैं, तो आखिरी में करना है तो आज भी आखिरी में ही करो, आपको याद रहेगी। 1.5 डेज है, उसके आखिरी आखिरी में आप थ्योरी वाला टॉपिक पकड़ लो, कल शाम से थ्योरी वाला टॉपिक पकड़ना, थोड़ा सा स्ट्रेस भी कम रहता है और सिर्फ उसमें पढ़ना पड़ता है, तो एक चीज़ है सॉरी। तो ये एक चीज़ आएगी। उसके बाद में अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपके सारे थ्योरी 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 के टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने हैं, तो स्किप करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तकरीबन आप 4 से 5 या 5 से 6 घंटे दे सकते हो। अब कल शाम को 4 बजे से भी आप बैठते हो तो 10 बजे तक तो आराम से आप थ्योरी पढ़ सकते हो। थ्योरी सर पढ़ना कहाँ से, सबसे पहले तो क्लास नोट्स, ठीक है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल से अब पॉसिबल नहीं है थ्योरी पढ़ना, स्टार्टिंग से पढ़नी चाहिए थी अगर फर्स्ट रीडिंग होती है तो, लेकिन अब छोड़ दो, अब ये सब मतलब नहीं है। अब आपके क्लास नोट्स होंगे, समरी नोट्स होंगे, तो उसमें से पढ़ लो। दूसरा, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, आई विल सजेस्ट देम टू गो विद एंटायरली विद चार्ट्स, चार्ट्स में सारी की सारी थ्योरी कवर्ड है, यू कैन, इट विल बी इजी फॉर यू टू रिवाइज ऑल्सो थ्रू दैट। एक पिक्चर सामने आ जाती है कि हाँ ठीक है कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे पूछा। इसके बाद में भी मैंने जो नोट्स दिए उसमें भी आपको थ्योरी अवेलेबल है, कहीं से भी कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आपकी वो टाइम में खत्म हो रही है जहाँ पे जो चैप्टर को मैंने 2 घंटे दिए हैं। मान लो अगर आपने भी 2 घंटे दिए ये सब वीडियो देखने के बाद में भी, तो आपके हिसाब से अगर कोई चैप्टर को 2 घंटे, तो 2 घंटे में वो चीज़ कैसे भी करके खत्म करो, उसके बाद में छोड़ दो, स्किप करो, आगे बढ़ो, रुकना मत। आपने बस इमोशनल नहीं होना है यहाँ पे। इफ़ यू गेट कैरिड अवे यू विल लूज द टाइम। देर हैज़ टू बी सम टाइम मैनेजमेंट अलॉन्ग विद द स्टडीज दैट यू आर डूइंग राइट नाउ। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ दैट। डोंट बी इमोशनल विद एनी चैप्टर, जस्ट डोंट गेट अटैच्ड एंड कैरिड अवे। सो दीज आर द थिंग दैट यू हैव टू डू।
यही कल, ये 20 घंटे का प्लान है, 6 घंटे आज हो गए, 18 घंटे अगर कल पढ़ना है तो कल पढ़ लो, या फिर 6-7 घंटे, तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, अब ऑप्शन नहीं है आपके पास में। सो 20 घंटे है ना, सॉरी, 6 घंटे आज पढ़ लो, कल 14 घंटे पढ़ लेना, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, अपन ऐसे भी पढ़ते ही हैं, तो 6 और 14 20, अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप किसी इसमें ज़्यादा टाइम ले सकते हो। मैंने तो सिर्फ 20 घंटे का प्लान बनाया ये। अब दूसरे दिन मॉर्निंग, यानी कि 4 तारीख को मॉर्निंग में जिस दिन पेपर है, सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक रिविजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, और कुछ थेरी या पेंडिंग टॉपिक्स होंगे तो वो पढ़ लो, ईजी है। मॉक टेस्ट पेपर छोड़ के मत जाना, मैं बता रहा हूँ, छोड़ के मत जाना। उसके बाद मैं 10 से 12 बजे तक वापस से एक बार 400 समरी नोट्स पढ़ लो, दे विल हेल्प यू अ लॉट। 2 घंटे लगेंगे, सब कुछ रिवाइज हो सकता है, और एक पिक्चर आना ज़रूरी है। शांत रहना, माइंड को फोकस रखना, पहली चीज़ सबसे ज़्यादा जो होनी चाहिए स्टार्ट करने के पहले, वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस है तो ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू, 10 क्वेश्चन है, 10 में से सर 7 हो रहे हैं, इनफ है, 3 क्वेश्चन छूट गए ना, टेंशन लेके मत बैठ जाना, टेंशन लेके मत बैठ जाना, वो कोई काम नहीं आएगा, उसका इम्पैक्ट दूसरी जगहों पर पड़ेगा। छोड़ दो, सब कुछ पॉसिबल होता नहीं, अल्टीमेटली जब आप फाइनल स्टेज पर आ जाते हो तब आपको रियलाइज होता है कि इतना सारा कुछ काम का ही नहीं था, बस छोटी 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 चीजें काम की, तो उतना ही आपने करना है। सिलेक्टिव क्वेश्चंस करना है, सारे क्वेश्चंस बिल्कुल मत करना। प्रैक्टिस माइंड न्यू सिलेबस की SFM की मैंने एक बार इशू की थी, अगर आपने वो यूज की है सो यू कैन स्टिक टू दैट इफ यू आर गोइंग विद दैट, नहीं तो क्लास के नोट्स इनफ है। कोई भी एक बुक होना, आई एम टेलिंग यू, कोई भी एक बुक होना, या तो प्रैक्टिस माइंड न्यू या तो क्लास के नोट्स, दो दो चीजें पॉसिबल नहीं है। सो डोंट गेट कैरिड अवे कि मैंने सब कुछ कवर करना है, सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। 1.5 घंटे हैं, सॉरी 1.5 दिन है आपके पास में, इतने महीनों में अगर नहीं हुआ तो 1.5 दिन में भी नहीं होता। हर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, हर क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, लिख लिख के देखोगे तो 1 या 2 या 3 चैप्टर कर पाओगे खाली दिन भर में, और फिर बाद में जाके शाम को रोने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप क्या ये चाहते हो कि भैया एट द एंड ऑफ द डे यू रिग्रेट? नो, जस्ट स्किप द चैप्टर एंड मूव अवे। डोंट वरी अबाउट पेपर कैसा आएगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो तब की तब देखा जाएगा। 2 बजे तक का काम पहले कंप्लीट कर लो, 2 से 5 जब आएगा तब हम 2 से 5 के बारे में सोचेंगे, पेपर तब के तब, रिजल्ट क्या आएगा, पेपर कैसा आएगा, वो उनके ऊपर छोड़ दो, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। 1.5 दिन में बस मेरे को इतनी सी चीज़ करके दिखा दो, क्योंकि मैंने मेहनत की है 3 महीने आपके पीछे, जिन जिन बच्चे मेरे से कनेक्टेड थे मैंने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत मेहनत की है। इतनी मेहनत को अगर इतनी सी गलतियों की वजह से अगर आप वेस्ट होने दोगे तो इससे बड़ी गलती लाइफ में और कुछ नहीं हो सकती। सो डोंट गेट कैरिड अवे, जस्ट फॉर द वन लास्ट टाइम स्टे एक्साइटेड, एंड उतना जोश होना चाहिए। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर योर पेपर, एंड आई विल बी वेटिंग कि कब पेपर खत्म होगा और कब मेरे डाउट सॉल्व करने वाला काम खत्म होगा और मैं थोड़ा रिलैक्स होकर थोड़ी छुट्टी ले पाऊंगा। आई थिंक द सेम इज देयर विथ यू, एंड दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि एक आखिरी बार पूरा जोश और पूरे एफर्ट्स डाल देते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड एग्जाम के बाद में जरूर मेरे को बताना मेरे मोबाइल नंबर पे कि आपका पेपर कैसा गया नहीं गया, क्योंकि दिस इज समथिंग अ टीचर वांट्स, एंड दिस विल बी प्रोबेबली द लास्ट टाइम वी आर लाइक कनेक्टिंग विद ईच अदर थ्रू यूट्यूब एंड थ्रू व्हाट्सएप एंड ऑल, बिकॉज इसके बाद आप क्लियर हो जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे, मैं किसी और मैं आगे वाले स्टूडेंट्स को मैं हेल्प करने के लिए फिर से तैयारी करने लग जाऊंगा। यू कैन आस्क मी द डाउट्स इन 1.5 डेज ऑल्सो, दिस इज समथिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू, यू कैन आस्क मी द डाउट्स ऑल्सो ऑन व्हाट्सएप एट 8983475152, 8983475152, आई विल अगेन मैसेज दिस, आई विल पुट दिस मोबाइल नंबर इन डिस्क्रिप्शन। फोटो खींचो क्वेश्चन की, डाउट पूछो, और आई विल बी रेडी टू हेल्प यू। बट यस, 100 में से शायद 90 लोगों को डाउट्स रिप्लाई कर पाऊंगा, 10 लोगों को नहीं कर पाऊंगा, दैट इज प्रैक्टिकली जो भी पॉसिबल होगा। आई विल मेक द एंटायर एफर्ट्स इन 1.5 डेज। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड देन विल मीट अगेन इन द न्यू वीडियो। बाय बाय।